इनकी आज तक पता है, आज तक उनकी संख्या अपने को आ जाओ, आज तो तुम लोग कर ही नहीं रहते, ऐसी बोल दिया। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध सही लिखा है ना? हाँ, आओ पहले अपन देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में अपने को एक चीज़ याद रखना है, जो शॉर्ट में जो हमने फर्स्ट डे बताया था कि जहाँ भी कोवैलेंट बॉन्ड आ जाए तो अपने दिमाग में आ जाना चाहिए पी प्लस पी। मतलब जब दो एलिमेंट पी ब्लॉक के मिलते हैं तो क्या बनाते हैं वो? कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे यदि अपन एग्जाम्पल ले लें तो N2 क्या हो गया? मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले लो C2, मतलब दो कार्बन, तो C2H2 ले सकते हो, C2H4 ले सकते हो, C2H6 ले सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोवैलेंट नेचर। और ये जो कोवैलेंट नेचर होते हैं ये मतलब सॉल्युबिलिटी इनकी नहीं होती है, नॉर्मली सॉल्युबल नहीं होते हैं। जैसे मान लो अपन गोबर गैस में मेथेन गैस, चलो मेथेन तो है ही नहीं, एक ही कार्बन है ना। तो जैसे मान लो ये अपन बात करें C2H2, मतलब ये है आयन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। C2H2 मतलब इन, मतलब डबल बॉन्ड। C2H6 मतलब एन, मतलब सिंगल बॉन्ड। आज मैं पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड भी डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे और बेटर क्लियर होगा। पहले सिर्फ मैं कोवैलेंट बॉन्ड पर बना रहा हूँ। तो C1 2 3 यहाँ पे H, यहाँ पे H, मतलब कि बिटवीन कार्बन जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे मैंने ले लिया चलो N2, तो बिटवीन नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या होगा? अभी मैं एक बॉन्ड लेंथ वाला क्वेश्चन था ना, अभी उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर ये मतलब यहाँ भी यदि अपन डबल बॉन्ड की बात करें तो C H2 H2, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या रहेगी? अपनी कोवैलेंट बॉन्ड। अब याद रखना, जैसे मान लो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब कि इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा, तो इसके लिए अब अपने को कन्फ्यूजन आ गया है कि मैंने बोला कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो होता है PP। क्या होता है? PP। अब आप यहाँ बोलोगे सर इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है तो S और P हो गया। आज मैं P पाई, D पाई, SS ओवरलैपिंग, आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा S ब्लॉक और ये हो गया P ब्लॉक। फिर तो हमारा ये तो आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था आयनिक बॉन्ड में एक एलिमेंट S ब्लॉक का, एक एलिमेंट P ब्लॉक का। तो ये सही है, लेकिन अपन एक ज़्यादा सही और चीज़ लिखते हैं कि जब भी आप बात करोगे कोवैलेंट बॉन्ड की तो आपको बोलना पड़ेगा बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। जब भी दो नॉन मेटल के बीच बॉन्डिंग होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ? चलो नोट कर दो, लिखते जाओ अपन नीचे उसमें। इसी पे अपन सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होगी? कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा भी हो सकता है बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? देखो इधर, तो जैसे यदि हम बात करें इधर, देखो ये वाले कार्बन में ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, मतलब इस वाले कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस वाले कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम बोलेंगे कि सेकेंड पॉइंट है बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होगा जब भी अपन इधर जाते हैं? देखो जब भी अपन इधर जाते हैं पीरियड में तो यहाँ से साइज क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। साइज क्या होता है? कम होगा, सॉरी EN बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो EN, अरे यार उल्टा बोल दिया, साइज कम होता जाएगा तो EN क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इसका एक और बढ़िया अच्छा पॉइंट है, तुमको ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं मिल गया होगा कि फॉर कोवैलेंट बॉन्ड समझना ध्यान से, एक अच्छा केस यहाँ पे निकल के आएगा। कोवैलेंट बॉन्ड के लिए जो डेल्टा E होता है,
या आप इसको EN भी बोल सकते हो, ग्रेटर देन 1.7, मतलब कि जैसे ए 1.7 से ज़्यादा EN होना चाहिए। अब सुनो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का EN 2.1, कार्बन, कार्बन का EN 2.5, ठीक है, 2.5 2.1, क्लियर। जैसे तो ये इसका EN मतलब इससे यदि 1.7 से ज़्यादा है तो भी हमारा कैसा नेचर शो करेगा, वो कोवेलेंट नेचर शो करेगा। ये मतलब अभी कभी कभी किसी न किसी क्वेश्चन में कहीं मेरे को मिला था ऐसा। वैसे इसको ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना, लेकिन मैंने क्या बोला था कि जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो दो चार क्वेश्चन मिल जाएंगे जो थोड़ा अलग रहेंगे, तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए। मनीष और नैना फिर से सुनना, बाकी लोग नोट करो, तुम दोनों सुनो। जैसे यदि हम बात कर रहे थे अभी कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बात कर रहे थे मनीष, ध्यान से सुनना है ना, इधर आ जाओ ना बेटा, उधर से दिख नहीं रहा, दिख रहा है। यदि अपन बात करें कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो पी और पी के बीच बनता है, मतलब एक एलिमेंट, दोनों एलिमेंट पी मतलब पी ब्लॉक के हो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे मैंने बोला था देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या N2, मतलब दोनों नाइट्रोजन क्या है पी ब्लॉक के, तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। C2H2 आयन वाला यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो भी कोवेलेंट बनेगा, इन वाला है तो भी कोवेलेंट बनेगा, और सिंगल वाला है तो भी कोवेलेंट बनेगा, क्लियर। लेकिन जैसे मैंने देखो बोल, इसको मैंने यदि ओपन किया तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच और ये एच, ठीक है। अब सुनो, ये तो पी ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का, तो इन दोनों के बीच तो कोवेलेंट बनना बन गया, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो एस ब्लॉक का है, कार्बन पी ब्लॉक का है, तो फिर ये क्यों पी ब्लॉक वो बना रहा है कोवेलेंट। तो इस कोवेलेंट के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन यहाँ पे एक पॉइंट बनाए बताएंगे, बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, यदि दोनों नॉन मेटल है, मतलब दोनों गैसेस टाइप की हैं, कुछ हाइड्रोजन भी गैस कार्बन भी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नॉन मेटल बनेगा। तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं अपन आपस में एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट है ना, फॉर कोवेलेंट ये डेल्टा ई ग्रेटर देन 1.7 होना चाहिए। आप नोट कर दो फटाफट, अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही बताया गया आंसर। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। यदि मैंने बोला कि हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या है, यदि मैंने बोला हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो बताओ ये किस तरह का बॉन्ड बनाएगा। यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, तो जब दो इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है, तो हमको बनाएगा सिंगल बॉन्ड। क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, मतलब कुछ ऐसा, समझ गए। अब यदि दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है, ठीक है। यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब सिर्फ एक पेयर है, तो क्या बनाएगा, यदि मान लो दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, यदि तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसको भी नोट कर दीजिए यहीं पे। ये वाला नहीं बनाएगा क्योंकि ये इसके हैं, और ये अपने खुद के साथ थोड़ी बनाएगा दो, किसी और के साथ तो वो फिर कोवेलेंट नेचर थोड़ी शो करेगा। मतलब जैसे मान लो ये है, देखो मतलब कि हाँ, जैसे मान लो कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो एक ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मतलब वन इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, हाँ हाँ, तो ये दोनों खुद के नहीं, खुद में कैसे बॉन्ड बनेगा, नहीं मैं ये बता रहा हूँ टोटल यदि इलेक्ट्रॉन पेयर एक हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे देखो ना एग्जांपल अपन ले लिए C C H2 C C H2, समझना मेरी बात है, C C H2। अब इसके पास एक ये हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों एक ये हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो डबल बॉन्ड बनेगा। एक और एग्जांपल ले लो, देखो N
एक दो तीन एन, एक दो तीन यहाँ पे ले लिया एच टू, यहाँ पे ले लिया एच टू। तो कितने पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। देखेंगे चार तो अभी तक तो मिला नहीं, रब कर दो ये, तुम भी उन लोगों के बगल से नोट कर लेना, समझा तो दिया। एक और पॉइंट लिखिए, एनी मल्टीपल बॉन्ड, ये पॉइंट है, मतलब ऐसा बोल रहा है कि यदि आपको मल्टीपल बॉन्ड बनाना है, मतलब कि एनी मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट इज सिग्मा देन पाई, आपको जितने भी आप जब भी कभी मल्टीपल बॉन्ड बनाओगे ना, तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने के पहले जो हमारा पहला बॉन्ड होगा हमेशा क्या होगा? सिग्मा, उसके बाद जो होंगे पाई। ये याद है, आज इसको बहुत अच्छे से अपन सीखेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, क्लियर? तो पहला बॉन्ड हो जाएगा हमारा क्या? सिग्मा, दूसरा हो जाएगा पाई। लिख दीजिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, आप लोगों को गिन के बताना कितने सिग्मा कितने पाई हैं, क्लियर? ले लीजिए एग्जाम्पल, पहला मैंने ले लिया सी टू सी एन का होल ट्वाइस, सी टू सी एन का होल ट्वाइस मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एन सी एन, समझ गए कितने सिग्मा कितने? देखो सुनो, आपको आपको सिर्फ इतना देगा बना के, है ना, आपको सिर्फ इतना एग्जाम में देगा, आपको ये ओपन करना आना चाहिए, क्लियर? तो आ जाइए, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, यदि हम टोटल सिग्मा की बात करें तो चार, एक दो तीन चार, हाँ पाँच। पाई देख लो, दो पाई दो पाई, ये मैंने कर दिया। अब आप एक लोग आप एक आप लोग करो अपना है, एग्जाम्पल है सी टू सी एन का होल फोर, सी टू सी एन का होल फोर, हाँ। एक और एग्जाम्पल है सी ओ, बताइए इसमें कितने सिग्मा कितने पाई होंगे? सी टू सी एन का होल फोर, एन इन बाई, कौन सा वाला कार्बन है ये? इन वाला, मतलब क्या बनेगा? बिटवीन डबल बॉन्ड, इधर बैठ जाओ ना, बैग इसमें रख दीजिए, लिखते बनेगा रखते, है ना, बैग दो इधर रख दो चेयर में, तुम इधर बैठ जाओ। करिए सब लोग ओपन, सी टू सी एन का होल फोर, सी टू सी एन, आओ देखो देखो, पहले मतलब ये हाइड्रोकार्बन टाइप का है, लेकिन और मतलब कि वो फंक्शन ग्रुप वाला हाइड्रोकार्बन है, एक सिंपल हाइड्रोकार्बन होता है, फंक्शन ग्रुप वाला होता है, फंक्शन ग्रुप वाला है। अब इसको अपन नॉर्मली ऐसा सोच सकते हैं सी टू एच फोर, ऐसा सोच सकते हैं स्ट्रक्चर ओपन करने के लिए। हेलो सब लोग ध्यान से समझना भाई, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, सही क्वेश्चन किया उसने। सी टू सी एन फोर ये हमारा क्या है? फंक्शन ग्रुप है सी एन, लेकिन ये फंक्शन ग्रुप तो कार्बन से ही जुड़ा है, तो अपन दिमाग में बना के लो पहले हाइड्रोकार्बन,
तो यदि अपन इसको ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे, सी डबल बॉन्ड सी, एक दो तीन चार हाइड्रोजन, क्लियर, यहाँ पे एक दो तीन चार हाइड्रोजन। तो अपन इसको कैसे ओपन करेंगे, देखो तो हम इसको ऐसे कर देंगे सी टू सी एन का होल फोर, आप दो कार्बन ले लीजिए डबल बॉन्ड वाले। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ा है, सी एन, अपने को पता है सी एन में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब गिन दो सिग्मा और पाई, समझ गए ना कैसे करना है, मतलब आप अपने को इसको पहले इमेजिन करो कि यार ये हाइड्रोकार्बन है, उस हिसाब से ओपन करो और उसमें फंक्शन ग्रुप जोड़ दो, क्लियर। तो देखिए ना कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ सिग्मा हो रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये हो गए नाइन सिग्मा। पाई गिनिए, दो तीन तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, पाई भी ना हो रहे हैं क्या, देखो दो पाई यहाँ हो गए, एक पाई यहाँ हो गया, दो पाई यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए, तो नौ पाई भी हो गए। ये अच्छा है, आ चुका है एम्स में, सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर पूछा था, सीओ में सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर बताइए, हाँ एम्स में आ चुका है ये। एक सिग्मा, देखते हैं अपन, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड को जब आप ओपन करोगे तो कैसे बनाओगे, चलो अपन देखते हैं, सी एक दो तीन चार, ऑक्सीजन एक दो तीन चार पाँच छः, आ जाइए कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आठ तो हुई नहीं। अच्छा एक काम करो, अब हो गई क्या आठ, गिनो तो, एक दो तीन चार पाँच छः, अभी भी नहीं हुई, रुक जाओ, अब हो गई क्या, अभी भी नहीं हुई, रुक जाओ, अब हो गई, ठीक है। तो इसीलिए तो एम्स में आया है, सिग्मा बॉन्ड होता है वन, अब पाई बॉन्ड होता है टू, अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाए, कि बोलूं कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अब तो बोल ही दिया क्या है। अब आपको CO2 और C3O2 के बीच सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है, कितने CO मतलब कितने होंगे CO2 और C2O3 के बीच में, मेरी बात सुनो, जब आप इसको ओपन करोगे ना, हर सीधा देखना बेटा, C3O2, जब आप इसको ओपन करोगे ना तो यहाँ पे तीन सेंटर एटम है, C3 मतलब तीन सेंटर एटम है, तो आप एक साथ पूरा हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालोगे, अब पहले इसको ओपन चैन बनाओगे, बना दो ओपन चैन, देखो एक दो तीन, अब यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनोगे, बोलो सर यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट क्यों नहीं लिया बिटवीन ऑक्सीजन और कार्बन, तो देखो ऑक्टेट कंप्लीट है इस वजह से नहीं लिए, क्लियर। यहाँ पे तो आपको पता ही है C डबल बॉन्ड O, मतलब ये लीनियर रहेगा, अब बता दीजिए फटाफट, मेन अपने को ये सोचना था, ठीक है।
बताइए सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों के बीच कितना? मतलब यदि अपन यहाँ पे बात करें तो सिग्मा दो पाई दो, एक दो तीन चार, है ना, मतलब चार सिग्मा और चार पाई। अभी हम डाइपोल आज वो पढ़ेंगे, डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। तो यदि हम इसके पोलैरिटी की बात करें तो पोलर है कि नॉन पोलर? म्यू इक्वल टू जीरो मतलब नॉन पोलर, मतलब इसकी सबकी स्ट्रक्चर लीनियर है क्या? मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। CO2 तो पता है sp, इनका दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, यदि बहुत सारे सेंटर एटम हो गए तो आप अलग अलग सेंटर एटम पे वो गिन लो, क्या सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या क्या इंक्लूड हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव लोन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ भी हर कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड दो है, इस वाले कार्बन पे टू सिग्मा, इस पे टू सिग्मा और इस पे टू सिग्मा। अरे सर टोटल छः होने चाहिए, आप तो चार लिख दिए, ऐसा सोच रहे हो क्या तुम लोग? क्यों नहीं सोच रहे? समझ गए कि ये दो सिग्मा तो इस कार्बन के हैं, एक और दो। अब ये जो ये दो लिखे हैं ना, तो एक और दो मतलब इस वाले को हमने दो बार गिना ना, क्योंकि ये वाला सिग्मा इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। समझ आ गया, एक बार गिनना चाहिए ना। तो ये सेंटर एटम के लिए एक ये जुड़ा है, एक ये, तो इस वाले सेंटर एटम के लिए हमने इन दोनों को गिना। फिर जब मैं इस सेंटर एटम की बात करूंगा तो इस सेंटर एटम से ये जुड़ा है और ये भी जुड़ा है। इस वजह से हमने जब इस वाले कार्बन की बात किया तो भी इसको गिना, जब इस कार्बन की बात किया तो भी इसको गिना। अब टोटल बात करोगे तो फिर हमको टोटल गिनना पड़ेगा। तो टोटल ये है, पर्टिकुलर कार्बन का ये है, हाइब्रिडाइजेशन ये है, स्ट्रक्चर ये है। ये दोनों समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं 10-15 मिनट वेट करो। म्यू इक्वल टू जीरो अभी बताऊंगा, फिर बिना मतलब बीच में हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, एक और पॉइंट लिखिए। लिखिए इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉइंट है, इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पार्ट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पार्ट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पार्ट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सो बिहेव लाइक, सो बिहेव लाइक पाई बॉन्ड। If coordinate bond part of multiple bond so behave like pi bond, if coordinate bond part of, ऐसे नहीं लिख ही देता हूँ, if coordinate bond part of multiple bond so behave like pi bond, if कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड सो बिहेव लाइक सिग्मा बॉन्ड। यदि हमारा पाई बॉन्ड क्या है, मल्टीपल बॉन्ड के साथ है, मतलब कि जैसे मान लीजिए ऐसा है CN, तो यहाँ पे जो हमारे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कैसा बिहेव करेगा? लेकिन यदि मान लीजिए कि हमारा ये ए और बी के बीच में मान लो सिंगल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बस है, जैसे सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ते थे ना, बनाओ क्या एकाद स्ट्रक्चर CO3- ये बहुत सारे थे ना, तो यदि आप सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जोड़ते हो, एक सिंगल बॉन्ड जोड़ते हो, तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा। इनका बहुत रोल है, कैसे
देखो यदि सिर्फ सिंगल सिग्मा बॉन्ड है तो हम हाइब्रिडाइजेशन में रोल करेंगे यहाँ पे, लेकिन यदि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन पे रोल नहीं करेगा। मतलब इससे एक बात निकल के आती है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यदि वो मल्टीपल बॉन्ड के साथ है तो किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को शो करने में रोल नहीं करता, क्योंकि स्ट्रक्चर शो होता है हाइब्रिडाइजेशन से, हाइब्रिडाइजेशन में यूज आता है सिग्मा बॉन्ड। अच्छा पॉइंट है, बहुत समझना ध्यान से, आ गया वो साहब नहीं समझना। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड के साथ है तो हाइब्रिडाइजेशन में रोल नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन में यदि ये रोल नहीं करेगा तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेगा जो हाइब्रिडाइजेशन करता है, न बॉन्ड एंगल, न शेप, है ना, इनका स्ट्रक्चर वगैरह नहीं करेगा। लेकिन यदि यही सिंगल बॉन्ड में आ गया, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में रोल करेगा, मतलब शेप और स्ट्रक्चर को बताएगा। क्लियर हुआ दोनों पॉइंट, नोट कर दीजिए। कर लिया, एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड टोटल कितने होंगे, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, CH NC, बताइए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड दो, आपको पिटना पसंद है क्या? हैं, रामायण खत्म हो गई, सीता किसके पापा हैं? सीता नॉट अ पापा, सीता सिर्फ लक्ष्मण की मम्मी है। छह सिग्मा देखते हैं, अपाई पाई देख लेते हैं, पाई एक होगा कि दो? देखो ऐसे, सी ये दो हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड सी, ये एक हाइड्रोजन, ये एन और सी, है ना, तो ये हो गए अपने कितने, दो एक, एक दो तीन चार पाँच, यही तो लिखा हूँ, ये लो कर लीजिए। नहीं हो गया अभी तो, अभी पी के आया हूँ। अरे यार तुम लोगों को चेक कर रहा था, पता है कि नहीं सिग्मा और पाई। AIPMT में एक और क्वेश्चन आया है, AIPMT में आया है, O3 सिग्मा और पाई, हाँ O3 में सिग्मा और पाई बॉन्ड, दो सिग्मा एक पाई, बाकी लोग करो सॉल्व करो कैसे, आंसर तो सही है। अच्छा एक काम करो, चलो इन O3 अपने को बताना है टोटल सिग्मा, टोटल पाई, टोटल लोन पेयर। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये पाई, मतलब कि दो सिग्मा एक पाई। लॉन पेयर टोटल बताना बेटा, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, हाँ टोटल टोटल लॉन पेयर बताना है क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो जैसे दो तीन चार, हाँ कोऑर्डिनेट ना, अपन कोऑर्डिनेट वालों को इंक्लूड कर रहे थे ना, तो देखो यहाँ पे हो जाएंगे टोटल इस वाले के एक दो, क्योंकि छः थे तो दो बना लिए, तो दो इसके हो गए। अब इसके पास भी छः थे तो एक दो तीन, ये तो रोल में आ गए, तो एक दो, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः, बोलो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो ऐसा करते हैं, मैंने देखा था जो तुम बता रही हो, कि जैसे देखो इस वाले के पास छः हैं, मतलब कि एक दो ये हो गया एक, है ना, दो इसके हो गए तो हो गए तीन। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लफड़ा आ रहा है, ये हो गया चार, ये हो गया पाँच, अब समझना ठीक है। अब ये एक दो
ये बचे ये दो लोन पेयर। तो यदि जब आप इसको लोन पेयर को यदि आप गिनते हो तो ये वाले दो लोन पेयर कर रहे होंगे किसी एक को बैलेंस करने में। यदि आप इसको लोन पेयर को गिनते हो तो ये कर रहे होंगे रोल बैलेंस करने में। तो एक टाइम पे आप एक ही की गिनोगे क्योंकि एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा और एक गिन रहा होगा। कभी कभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं ना, तो एक के पास रहते हैं दूसरे के पास नहीं रहते, तो वहाँ अपन गिन लेते हैं। तो हाँ, नहीं एक बनाएगा, मतलब ये इसीलिए तो गिन रहा हूँ, ये ले लो या यहाँ रख दो, साइड में लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, लोन पेयर हो जाएंगे 6, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको नहीं दिया। किसको? 1 2 3 4 5 ये वाला नहीं, क्योंकि ये अब बॉन्ड बनाने में आ गया तो फिर एक ही कर लेंगे किसी एक का। अरे यार, मतलब कि जैसे अब ये वाला बॉन्ड बनाने में हेल्प करने लगा ना, तो फिर अब इसको, फिर इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, इन्हीं बस को करेंगे। क्यों, वैसे तो ना तब करते हैं जब एक के पास एक्स्ट्रा नहीं रहते हैं, उसके पास एक्स्ट्रा ऑलरेडी बहुत सारे हैं ना। देखो यदि अपन ने इसको इंक्लूड कर देंगे ना लोन पेयर में, तो यहाँ पर 6 तो ऑलरेडी हैं, तो 7 8 हो रहे हैं ना, तो 7 8 इसके बॉन्डिंग के लिए हो गए ना। नहीं वो क्लियर? देखो ऐसे, ये एक ऑक्सीजन है, हम O3 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अभी इसके पास 3 ऑक्सीजन है, तो मैंने एक डबल बॉन्ड से बना दिया, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना। तो इसके पास भी 6 थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, तो अब ये क्या इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से किसी दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ा, इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, मैं इसीलिए तो यहाँ लिख रहा था जिससे क्लियर हो जाए, तुम लोगों ने साइड में लिखवाया था। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, हैं ये हो गया अभी 1 2 3, इन तीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 4 यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 5 यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 तक समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनना जो मैं बताना चाहता हूँ, समझना है ना। अब ये जो हमारा ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, दो लोन पेयर हैं, इसके पास भी लोन पेयर एक्स्ट्रा हैं, इसके पास भी लोन पेयर एक्स्ट्रा हैं, मतलब कि इसको बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये भी तो दे सकता है, इसको बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये भी दे सकता है, और इसकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये भी दे सकते हैं। मतलब कि ये दोनों ऑक्सीजन जो हैं, दोनों ऑक्सीजन, ये वाला अपने लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर इसको दे सकता है, ये वाला अपने दोनों लोन पेयर इसको दे सकता है, दे सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अभी तो देखो यदि अपन इसको नहीं लगाते ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका कंप्लीट नहीं होगा। जब इसका कंप्लीट नहीं होगा तो ये वाले अपने इसको देगा, मतलब कि ये इसके इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रहेंगे ही रहेंगे, ये वाले भी दोनों इलेक्ट्रॉन का रोल यहाँ हो जाएगा, तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे सिग्मा क्लाउड टाइप का कुछ दिखेगा। मतलब अभी ये पाई और सिग्मा बॉन्ड अपन पढ़ेंगे, सिग्मा क्लाउड टाइप का दिखेगा, मतलब कि ये दोनों जो लोन पेयर है ना, ये दोनों लोन पेयर इस बॉन्ड के लिए बॉन्ड में इंक्लूडेड हो जाएंगे, तो ये वाले हमारे एक्स्ट्रा बचे रहेंगे। ये जो दोनों लोन पेयर है ना, ये दोनों लोन पेयर, ये वाला ऑक्सीजन जब इसको देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, तो ये इसके लोन पेयर यहाँ एक्स्ट्रा बने रहेंगे। तो यदि आप यहाँ लिखे रहने दोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, साइड में लिख दोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि साइड में लिखेंगे तो हम तो इनको सीधे गिनेंगे, फिर हमारे दिमाग में ये वाला लोन पेयर आएगा, सर कोऑर्डिनेट वाला क्यों नहीं गिन रहे, है ना। तो इसको आप यहीं लिखो। तो जब अपन ऐसा करते हैं, जब दोनों सेंटर एटम के पास, जब दोनों एटम के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं ना, तो अपन इनमें से किसी एक को गिनते, एक को नहीं गिनते। लेकिन यदि सिंगल है, मतलब कि मान लो इसके पास जैसे ये है, देखो ये देखो, इस कार्बन के पास 1 1 1 2, मतलब यदि अपन इस कार्बन की बात करें तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे,
तो ये हो गया देखो, एक दो, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। और एक दो, इसके पास एक ये है ना। अब यदि हम बात करें तो इस नाइट्रोजन के पास कितने हैं टोटल, इस सीएन में कितने लोन पेयर हैं टोटल, टोटल लोन पेयर एक दो। अब समझना है ये क्या कंप्लीट है, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नहीं है ना। अब सुनना, अब कितने हो गए लोन पेयर, अभी भी दो ही हैं। अब ये वाले देखो, ये इसके साथ इंक्लूड हो रहा है, अब इसके साथ इंक्लूड हो रहा है ना, सेम यहाँ पे यही हालत चल रहा है। लेकिन इसके पास, इसके साथ ये वाला लोन, मतलब लोन पेयर क्यों इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ है तो लोन पेयर गिनेंगे। अब यदि मान लो यहाँ पे कोई एक ऐसा होता, इसके पास भी हो रहा होता, तो दो लोन पेयर हो गए, एक इसके पास एक इसके पास, लेकिन अपन को एक ही को गिनना है। हाँ ना, तो जैसे इसका कंप्लीट तो है ऑक्टेट, तभी तो बना रहा है ये, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ही हुआ। हाँ अभी अभी तुम गिनो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है अभी, है ना, अभी इसका कंप्लीट है, इसका गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः, इसका इनकम्प्लीट है, इसका कंप्लीट नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छः नहीं है इसका, तो ये इसका हमारा कंप्लीट है सेम। बस ये याद रखो मेरी बात सुनो, एक बढ़िया चीज़ बोल रहा हूँ, जब लोन पेयर दोनों के पास एक्स्ट्रा हो, जब दोनों के पास लोन पेयर एक्स्ट्रा हो, तो अपन एक को इंक्लूडेड करेंगे, एक दूसरा बाहर रहेगा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला एक इंक्लूड होगा। लेकिन यदि लोन पेयर सिर्फ एक ही है, मतलब दोनों पे नहीं है, तो वो उस पे इंक्लूड कर लेंगे, सेंटर एटम वाले पे कर लेंगे उसको इंक्लूड, है ना। मतलब जब भी, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन देखा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले लोन पेयर हम लोन पेयर में भी गिनते हैं और सिग्मा बॉन्ड में भी गिनते हैं, इसका रीजन समझना। यदि आप यहाँ पर बोलो ना, देखो आप इसको सिग्मा बॉन्ड में गिने थे ना, मेरी बात समझना, सिग्मा बॉन्ड में गिने थे, फिर लोन पेयर में अपन क्यों गिन रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके जो लोन पेयर हैं वो ऐसा, मतलब ऐसा क्लाउड टाइप का बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बनता है, कुछ ऐसा बॉन्ड बनता है, मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और लोन पेयर दोनों में आता है, डिपेंड करता है कि कौन सा रोल, तभी तो एम्स में इसमें आ चुका है एग्जाम में, इसको याद रख लो बहुत अच्छे से। नहीं है ना कार्बन का बोल तो रहा हूँ, एक मैं ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए लिया था, अब कंप्लीट नहीं है ना इसका, एक दो तीन चार पाँच छः सात नहीं है ना कंप्लीट। देखो मेरे इसमें भी यही लिखा है, ये साइड में मैंने लिखा हूँ ना, ये मतलब ऐसा होता है, इसको इंक्लूड हम करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन अब मैंने इसको कर लूँगा ना, तो फिर ये वाले नहीं करूँगा, है ना, ऐसा एक बार में किसी एक को करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट, NH4+, NH4+ में सिग्मा और पाई बॉन्ड बताइए, कितने बनेंगे, सबसे सबको पता चल गया कैसे ऐसा बन जाएगा। हाँ रुक जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे यदि लोन पे तुमसे पूछेगा ना, समझना, तो आप इंक्लूड कर लोगे अब, है ना, क्योंकि ये इसके पास बस है, तो यहाँ पे देखिए ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, तो सिग्मा हो जाएंगे 4, लोन पेयर हो जाएगा 1। कौन सा निकाला, ये वाला, हाँ ये प्लस है ना,
मेरे को बोलो मैं डाउट क्लियर करूँगा ना। देखो यहाँ पे लोन पे, अब देखो ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेरी बात समझना हर्ष, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके पास ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना, तो अब यहाँ पे ये वाले लोन पेयर हम इसमें गिन लेंगे। लोन पेयर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, जैसे वहाँ पे हम गिन रहे थे O3 वाला, तो वहाँ मैं क्या कर, जब दोनों में थे तो एक में गिन रहे थे, यदि एक में होगा तो भी अपन एक में गिनेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा लोन सिग्मा बॉन्ड चार, लोन पेयर एक। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा SO4 माइनस टू, इसमें बताइए लोन पेयर बॉन्ड पेयर पाई और सिग्मा बताना है, यहाँ पर सिग्मा कितने कितने पाई। लोन पे नहीं पूछा, सिग्मा और पाई पूछा। मैंने बोला था जब यदि मतलब पाई, अपन देखो SO4 हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, नहीं डबल मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब हम सिग्मा और पाई गिनते हैं तो क्या करते हैं उसका डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर बनाते हैं, याद होगा तो। क्लियर, तो ये हमारा कुछ ऐसा, देखो दो सिंगल तो रहेंगे 100%, है ना, अब फिर ये दो डबल बॉन्ड बनाएगा तो हमारा हो जाएगा दो और दो, ये पहले भी करवा चुके हैं। चार हो गए ना भाई, तो वो तो मैं चेक कर रहा तुम लोगों को आ रहा है कि नहीं। अब न्यू हेडिंग डाल दीजिए, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, हाँ लिखिए इसके अंदर पॉइंट लिखिए। वन ऑर्बिटल मैक्सिमम है, वन ऑर्बिटल मैक्सिमम है टू इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि यदि अपन एक ऑर्बिटल की बात करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिनमें से दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरह रहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, एक रहेगा क्लॉकवाइज एक रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा पॉइंट लिखो, हाफ वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ वैकेंट ऑर्बिटल नेचर इज फुलफिल, मतलब जैसे मान लो कोई वैकेंट ऑर्बिटल आधा है तो इसका नेचर रहेगा किसी को या इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ये लेना चाहेगा, तो फुल करने की इसकी नेचर रहेगा। यदि फुल करने का नेचर रहेगा मतलब ये किसी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, डिपेंड करेगा इससे कौन सा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, वैकेंट ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर गेन, वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर गेन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल
लोन पेयर गेन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट आउटर सेल बैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट बॉन्ड फॉर्मेशन। आउटर सेल बैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, चारों पॉइंट नोट हो गए। अब इन चारों पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो, क्लियर। आ जाइए, अपन एग्जांपल ले रहे हैं एक NH4+। ध्यान से समझना सारे के सारे पॉइंट। अपन ने ले लिया NH4+, मतलब इसमें सेंटर एटम कौन है? नाइट्रोजन। सेंटर एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो चलिए अपन नाइट्रोजन की यदि बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p3, मतलब इसकी ये आउटर सेल है, बाहर वाली आउटर सेल है। यदि हम आउटर सेल की बात करें तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर सेल में। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में। तो आप इसको नाइट्रोजन को कुछ ऐसा कर सकते हो, 2s दोनों फुल फिल है, अपोजिट डायरेक्शन, 2p3 क्या है? 2p3। अब मैं 2p3 को कुछ ऐसा लिखना चाहूंगा, px1py1pz1, क्लियर। मतलब कि एक यहां एक यहां एक यहां। सेकेंड पॉइंट क्या था? हाफ बैकेंट ऑर्बिटल नेचर इज फुलफिल, मतलब ये आधा है। पहला तो ये है जो हमारा पहला पॉइंट था, वन ऑर्बिटल मैक्सिमम है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड पॉइंट था हाफ बैकेंड ऑर्बिटल नेचर इज फुलफिल, इसका नेचर क्या है? फुलफिल करने का, क्योंकि ये आधा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? बैकेंड ऑर्बिटल। अब देखिए और एक चीज़ अपन देखते हैं इसी पे, जैसे मैंने ले लिया नाइट्रोजन, मतलब ये हमारा जैसे हो गया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के आउटर सेल में सुनो, ये हो गया भाई साहब px, ये हो गया py, ये हो गया pz, समझ गए। अब यहाँ पे है बैकेंड ऑर्बिटल लोन पेयर गेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पे हमने ले लिया हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा उससे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 क्या है? 1s1, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है? प्लस। मतलब कि ये हमारा जो हाइड्रोजन प्लस का है तो इसका हो जाएगा 1s0, क्या हो जाएगा? 1s0। मतलब कि हमारा इसका जो h+ का ऑर्बिटल बनेगा ये खाली है, 1s का जो ऑर्बिटल बनेगा कैसा है? खाली है। अब समझिएगा मेरी बात, है ना। आउटर सेल बैकेंड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट बॉन्ड फॉर्मेशन। आउटर सेल बैकेंड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, समझिएगा। फिर देखना एक चीज और, बैकेंड ऑर्बिटल मतलब खाली ऑर्बिटल, लोन पेयर गेन मतलब कि लोन पेयर लेगा, मतलब क्या लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ। बैकेंड ऑर्बिटल लोन पेयर गेन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मजा आया? क्योंकि पूरा का पूरा मतलब कि देखो, बैकेंड ऑर्बिटल मतलब ये बैकेंड ऑर्बिटल हमारा H+ दोनों खाली, लोन पेयर मतलब कि नाइट्रोजन के, लोन पेयर मतलब नाइट्रोजन के, फिर बॉन्ड कौन सा बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब ये वाला। आ गए सारे पॉइंट क्लियर हुए? बहुत अच्छे से क्लियर हुए एक एक चीज, ठीक है। तो देखिए एक बार और आप देख सकते हो, वन ऑर्बिटल मैक्सिमम है 2 इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया अपने को। सेकेंड पॉइंट क्या था? हाफ बैकेंड ऑर्बिटल नेचर इज फुलफिल, यदि हाफ बैकेंड ऑर्बिटल है तो नेचर फुल करने को होगा। देख लीजिए ये आधा था, px वाला आधा था, तो इसने क्या किया? एक हाइड्रोजन को लेके पूरा फुलफिल कर लिया। py वाला आधा था, ये एक हाइड्रोजन को लेके फुलफिल कर लिया।
पीजेड वाला आधा था, ये हाइड्रोजन को लेके फुलफिल कर लिया, सेकेंड पॉइंट भी खत्म हो गया। थर्ड था वैकेंट ऑर्बिटल, यदि खाली ऑर्बिटल है लोन पेयर लेगा, लोन पेयर लेगा और क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर आउटर सेल वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आउटर सेल के ही नाइट्रोजन के काम आ रहे हैं ना, ये वाला कहाँ काम आ रहा है, आया क्या कहाँ, नहीं आया। हो गया सारे पॉइंट, बहुत अच्छे से एग्जांपल डाल के इसको नोट कर दीजिए। इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छे से ये वाला समझ समझ के करना। ये बहुत अच्छा, Cl4 मतलब BB, एक्सप्लेन सिग्मा 1 2 अभी नहीं।